अस्सलामु अलैकुम। आज हम बना रहे हैं आलू और धनिया की सब्ज़ी, क्योंकि गोश्त ईद के मौके पर गोश्त खा खा के बहुत जो है स्टमक प्रॉब्लम भी हो जाते हैं लोगों को, और ज़्यादा गोश्त खाना भी नहीं चाहिए इस लिहाज से। तो फिर आज हम बना रहे हैं आलू और साथ फलियाँ, ठीक है। इसमें हमने तकरीबन 1.5 किलो फलियाँ ली हैं, और फिर हमने साथ ही नीचे काट ली हैं। यहाँ पर हमारे पास प्याज फ्राई हो रहा है, जिसमें हमने 2 बड़े गट्ठे प्याज कर लिए हैं। इसमें तकरीबन प्याज फ्राई होने ही वाला है, इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि है तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ये फ्राई हो जाएगा हल्का सा, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये जल ना जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे हैं, और बिल्कुल दो भूल से, ठीक है। इसके बाद हम मसाले ऐड कर देंगे। इसमें हम नमक है और पिसा हुआ धनिया है, और ये सारा 1 टेबल स्पून, और हल्दी जो जाएगी इसमें 1 टी स्पून, ठीक है, 1 टी स्पून, फुल 1 टी स्पून। साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, जिसमें है 2 बड़े टमाटर। यहाँ पर सब्ज़ी के लिए मसाला तैयार हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास आपको बताया था कि फलियाँ हैं हमारे पास, जिसमें आलू में काटनी है। इसमें तकरीबन हमने 1.5 किलो फलियों के लिए लिए हैं, तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के आलू, जिनको कटिंग कर ली है इस शेप में, और अभी हमने पानी में डिप किया है इनको ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। जी अब आप देख सकते हैं इसमें मसाला फ्राई हो गया, भन चुका मसाला, ऑयल छोड़ दिया इसमें। अब हम इसमें डाल देंगे फलियाँ, और फिर साथ ही हमने ऐड कर दी थी 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्ची पड़ी हुई। इसे हम आलू और धनिया एक बार डाल के इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हम कुकर बंद करेंगे, ताकि ये एक साथ जल्दी से गल जाए, और ये रेडी हो जाएगा हमारा खाना। इसको हम 5 मिनट के लिए कुकर बंद करेंगे। जी यहाँ पे हमने कुकर बंद किया था 5 मिनट के लिए, जिस आलू फलियों के लिए, आलू फ्रेश बीन की फलियाँ। तो ये हमारा रेडी है सालन, तो इसमें हमने गरम मसाला ऐड कर दिया थोड़ा सा, तो अभी रेडी है हमारा सालन। इसको हम बाद में डिश आउट कर देंगे। जो है हमारे, इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है सिस्टर्स कुकिंग, और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको डेली की रेसिपीज मिलती रहें। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।